निकाय,
बारे में बात हो रही होगी, यहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। जैसे मैं एक क्लास में घुस रही हूँ, ठीक है, आपका काम क्या है? पढ़ना। कोई आए वो देखे सिर्फ पढ़ाई होगी, तो वो सिर्फ पढ़ाई की चीजें देखे चले, उसको बाकी इन सब चीजों से मतलब ना हो, तो वो क्या हो गया? सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होगी? सराउंडिंग। जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रही हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे क्या हो गया? सिस्टम। बाकी चीजें यहाँ पे जो भी कुछ है, जो भी और टॉपिक रह गए, वो सब क्या हो गया? सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? सिस्टम मतलब जिसके बारे में बात, अगर मैं इस पेन के बारे में बात कर रही हूँ, मार्कर के बारे में, तो दिस इज सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। सब कुछ सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग, समझ में आया? जिसके बारे में बात हो रही हूँ, जिसका जिस पे फोकस हो वो सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज सराउंडिंग, ठीक है। देखिए सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अच्छा हाँ, अब सिस्टम हो गया, सपोज ये मार्कर के बारे में बात हो रही है, तो ये सिस्टम हो गया, और उसके अलावा जो भी चीजें बची वो क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। यस, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इस मार्कर के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये एक सिस्टम हो गया। बाकी सब कुछ जो इसके अलावा है वो क्या है? सराउंडिंग। और ओवरऑल सब क्या हो गया? यूनिवर्स। समझ में आया? क्लियर हो गया? देखिए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर एक्सपेरिमेंट इज डन, वेयर एक्सपेरिमेंट इज डन, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, ठीक है। सराउंडिंग देखो, नेक्स्ट की सराउंडिंग, नेक्स्ट की सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है? हाँ, परिवेश। सिस्टम को छोड़ के सब कुछ, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। ये भी लिख लो। निकाय और परिवेश मिला के क्या होता है? यूनिवर्स। निकाय क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होता है, और उसको छोड़ के सब कुछ क्या है? टाइप ऑफ सिस्टम। देखिए टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है पता चल गया? सिस्टम के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ लिया है बता दो, देख के ना मन करो चुपचाप तू नाम बताओ। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। देखो फर्स्ट ओपन सिस्टम, ओपन ऐसा सिस्टम जहां से मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सके, मतलब ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो सके और मैटर है। मैटर मीन्स क्या? कोई द्रव्यमान वाली चीज हो उसका भी आदान प्रदान हो और एनर्जी का भी आदान प्रदान हो, उसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा? ओपन रूम, खुला हुआ कमरा, इसमें से मैटर भी कॉमन रूम वापस आ जा सकते हैं और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है बाहर से अंदर, ये क्या हो गया हमारा? ओपन सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, फर्स्ट क्लास में बहुत क्लियर कर लिया था, मुझे नहीं पता आपको पढ़नी है, विच कैन एक्सचेंज एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मैटर बोथ, नहीं लिख पा रहे हो? एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? मैटर, मैटर तो बताया था क्या? जो स्थान लेता है पदार्थ भार होता है, बोथ विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग उसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ओपन अच्छा क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट सेकंड क्लोज सिस्टम,
देखो तो कहता ना अच्छे नहीं क्लोज सिस्टम रूम खुला हुआ है मैं रूम बंद कर दूँ क्या होगा मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या होगा ओनली एक्सचेंज क्या एनर्जी मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा लिखिए अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी क्लोज सिस्टम एग्जाम्पल क्लोज रूम अगर मैं कोई वेसल ले लूं कोई बर्तन ले लूं इसका भी अगर मैं बंद कर दूं उसको इससे भी तो ऊपर नहीं जा पाएगा शेप इसका बॉल अगर कंडक्टिव होगा तो यहां से हीट का आदान प्रदान हो सकता है क्लोज रूम थर्ड लिखिए थर्ड क्या है आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेट किसको बोलते हैं आइसोलेट वर्ड क्या होता है विलगित विलगित निकाय जो एकदम अलग हो इन दोनों से एकदम अलग हो गया क्या हो गया न एनर्जी जाए ना ही मैटर ना ही मैटर जाए उसको क्या बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है लिख लो नथिंग ट्रांसफर लिख लो नथिंग ट्रांसफर with the universe. Neither matter nor energy. Neither matter, neither nor. Yes. You are not the neither matter nor energy. इसका example क्या होगा? इसका example क्या होगा? इसका example क्या होगा? इसका example बताइए. बॉटल कौन सा बॉटल डिपेंड करता है थर्मोप्लास्ट में होगा तभी ना मैटर जाएगा एनर्जी अगर नॉर्मल बॉटल में भर दिया तुमने ठीक है पानी बाहर नहीं निकलेगा लेकिन पानी गर्म है तो वो ठंडा तो हो जाएगा हीट का ट्रांसफर हो गई तो ऐसा थर्मोप्लास्ट में क्या होता है मैटर तो अगर मैं क्लोज करके रखती हूँ तो ये पानी बाहर नहीं निकलेगा लेकिन अगर थर्मोप्लास्ट है तो ये बॉटल जल्दी ठंडा भी नहीं होगा लेकिन इतना भी आयरन जल्दी कुछ होता नहीं है कुछ समय बाद ठंडा हो ही जाएगा 24 घंटा तक तो गर्म नहीं रहता देखते हो जापान खाली बहुत अच्छा है तो 6-7 उससे ज्यादा नहीं 6-7 है ना थर्मोप्लास्ट एग्जांपल थर्मोप्लास्ट नथिंग ट्रांसफर नो मैटर ना एनर्जी ठीक है थर्मोप्लास्ट थर्मोप्लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल यूनिवर्स 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 कैसे यूनिवर्स ही तो सब कुछ है यूनिवर्स में अगर यूनिवर्स में कुछ एक्सचेंज होगा तो वो जाएगा कहाँ यूनिवर्स में जाएगा जाएगा कहाँ सब कुछ यूनिवर्स में रहेगा तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है स्टेट का यूनिवर्स लिख लीजिए यूनिवर्स बेस्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम अच्छा सराउंडिंग लिख दिया ना क्या लिखा था उसमें रेस्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम रेस्ट ऑफ यूनिवर्स हम रेस्ट ऑफ सिस्टम रेस्ट ऑफ सिस्टम लिखो रेस्ट ऑफ अच्छा तो यूनिवर्स में यूनिवर्स में यूनिवर्स रेस्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम सारा यूनिवर्स सिस्टम को छोड़ दे सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ बच गया वो क्या है रेस्ट ऑफ
सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। और ये पूरा मिला के क्या है? यूनिवर्स। ओपन सिस्टम में क्या होगा? मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होगी। ये सिस्टम से सराउंडिंग मैटर और एनर्जी का क्या है? एक्सचेंज है। ये किसके लिए हो गया? ओपन के लिए। कभी एग्जाम में ना अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो अगर ऐसे डायग्राम वाली चीजें एक्सप्लेन करके नहीं बना दो तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर तुम्हारा देखते ही समझ जाता है कि तुम्हें आ रहा है। ठीक है, तभी तो बना रहा है। बोर्ड का एग्जाम होता है तो काम। अरे ग्रेजुएशन में भी होता है। हां, फिर उसमें पढ़ना वगैरह सिस्टम ये होता है। 12th में इसमें क्या एक्सचेंज नहीं हो रहा है? जैसे ये
इमेजिनरी, उनको क्या बोलते हैं इमेजिनरी। रियल हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, फिक्स बाउंड्री हो सकती है और फ्लेक्सिबल हो सकती है। ठीक है, अगर किसी पे पिस्टन लगा हुआ है वो तो फ्लेक्सिबल है ना, लचीला। और अभी क्या देखा हमने, कंडक्टिंग भी है, नॉन कंडक्टिंग भी हुआ फिर। सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, सिस्टम को किससे अलग करता है, सराउंडिंग से। सिस्टम को सेपरेट करता है किससे, सराउंडिंग से। फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग। अच्छा इंग्लिश टर्म से प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं थमो ज्यादा हिंदी कंडीशन बता।
बताने के लिए कुछ टर्म्स का यूज करूंगी कि इतनी हाइट का है, इस कलर की ड्रेस है, तो ये सब उसके क्या हो जाएंगे फंक्शंस। इसी तरह हमें किसके बारे में, ये तो हो गया डे टू डे लाइफ में नॉर्मल, अगर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह देखें तो किसी वेसल में कुछ रखा है, अगर उसका हमें बताना हो कुछ, वेसल में पानी बने रखा, कोई कोई सोल्यूशन रखा है, तो अगर मुझे इसकी स्थिति बतानी हो ये हमारे लिए हार्मफुल होगी, अगर हो सकता है हो सकता हार्मफुल हो या ना, तो मुझे इसके बारे में क्या क्या नॉलेज दे दूँ कि तुमको पता चल जाएगा इसके बारे में। मैं इसका प्रेशर बता दूँ तुम्हें, वॉल्यूम बता दूँ, कितना पानी है, किस प्रेशर पे है, किस टेम्परेचर पे है, या उसकी एंट्रोपी वगैरह बता दूँ, इंटरनल एनर्जी बता दूँ, तो ये सब क्या हो जाएगा उसका स्टेट फंक्शन। अब ये सब इसकी स्थिति हो गई, इस सॉल्यूशन की स्थिति बता दी, ये कैसे बना, किस तरह से एनर्जी आई, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इस कंडीशन में रखा हुआ है तो क्या क्या है उसमें, किस कंडीशन में रखा हुआ है, क्योंकि अगर सोचो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ तुम्हें पता नहीं है तुमने छू दिया तो ये स्टेट बताने के मैंने जो टर्म यूज किए वो उसके क्या है फंक्शन हो गए। अब ये पाथ पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, लिखिए डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट, डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिर्फ सिस्टम की अवस्था पे डिपेंड करता है, स्थिति अवस्था जो भी समझ लो, नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ, किस रास्ते से, किस रास्ते को फॉलो करते हुए उस पर डिपेंड नहीं, नॉट ऑन पाथ, ऑन पाथ विच इज फॉलो, एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर बार बार पूरा नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे में बस लिखना, टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी के जितने भी काइंड्स हैं, जितने भी काइंड ऑफ एनर्जी हैं, सब इसमें आते हैं, ये क्या है इंटरनल एनर्जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, और ये एंट्रोपी, एंट्रोपी एंथैल्पी, समझ में आ रहा है, नॉर्मल जो हर चीज को डे टू डे लाइफ से लिंक करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पाथ फंक्शन देखिए, नेक्स्ट क्या है पाथ फंक्शन, नेक्स्ट पाथ फंक्शन,
फंक्शन, क्या लिखो, दे आर स्टेट फंक्शन, पार्ट फंक्शन को डे टू डे लाइफ से समझेंगे, कैसे समझेंगे, जैसे स्टेट बताने के लिए समझ गए कि वो चौराहे पे खड़ा है, उसका कंडीशन बता दिया मैंने, अगर पार्ट फंक्शन बताऊं तो कैसे बताऊंगी, मान लो बनने वाली बस से कोई आ रहा है तो अगर तब उसका बात बताया जाए यहां बैठ के तो कैसे बताएंगे कि वो बनने वाली बस में उस रास्ते से आ रहा है, मतलब कि काम जो हो रहा है वो मतलब काम क्या है, चल रहा है, चल रहा है, किस रास्ते से चल रहा है, हमें पता होना चाहिए ना किस रास्ते से आ रहा है, तभी तो हम उसको ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया क्या पार्ट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में दे आर स्टेट फंक्शन फर्स्ट, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले तो क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट ही क्या लिखा,
एग्जाम्पल वॉल्यूम हो गया ना, टेम्परेचर, और प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सीटीसी होता है ना, और डेंसिटी. Density means? बाल्टी तो पूरी भर गई, आधी बाल्टी पानी और डाल दी, खौती हुई पानी, खौती मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री
गया, मेंटेन हो गया, मतलब 35 और 100 के बीच में आ गया। तो इसका मतलब कि इसका मतलब कुछ पता चल रहा है इससे। मान लो आधी बाल्टी पानी तुम्हारा, मान लो पहले आधी बाल्टी पानी 5 लीटर थी, ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। नेक्स्ट जो ऐड किया 5 लीटर और ऐड किया था, ये तो टोटल 10 लीटर पानी हो गया। एडिटिव वॉल्यूम, एडिटिव 35 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100, ये उनके मिडल में आ गया, वो टेम्परेचर निकल के बीच वाला टेम्परेचर जिससे हम लोग नहा सकते, तरल पानी आ गया, तो एडिटिव हुआ। ऐसा 135 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए लेकिन एडिटिव नहीं हुआ, तो उसमें कहां आ गया टेम्परेचर, यही होता है एडिटिव और नॉन। जो चीज दो सिस्टम को मिलाने से तो जुड़ने में पड़ जाए, अगर ऐड ऑन हो जाए, ऐड ऑन होते दिखे तब तो हो गया एक्सटेंसिव, नहीं होते हुए दिखा तो इंटेंसिव। समझ में आ गया, या तो फिर ऐसे निकल एक तरह सिस्टम समझ सकते हैं या फिर किसी सिस्टम को टू डिवाइड करके भी समझ सकते हैं। क्या कर रहे तुम गोपाल, एक भी नहीं निकालने का मतलब। सिस्टम मान लो इधर टेम्परेचर है 300 केल्विन ना, वॉल्यूम है एक भी गोपाल नहीं बोल रहा हूं, सिस्टम है 300 केल्विन का मॉनिटर, अगर इसको समझना है एक्सटेंसिव इंटेंसिव तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, फिर जो दो पार्ट बचे हैं उसको अलग अलग ऑब्जर्व करो कि उस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी हाफ हो गई, कौन सी एज इट इज रह गई। जो एज इट इज रह गई वो कहां चली जाएगी, इंटेंसिव में। जो सीधे हाफ हो गई इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटेंसिव। अब इसको मैं दो हाफ कर दूं इसका मतलब पानी का आधा हो गया, आधा इधर पानी आधा उधर, टेम्परेचर जितना इधर उतना उधर, ये इस तरह से भी समझ सकते हैं। किसके सामने? एवं भैया के सामने। एवं भैया मैं एवं भी खाई करे। बर्थडे नहीं है किसी का, यहाँ पे बहुत चालू है। मैं इसकी खाई से बेचारी इतनी सफाई करा रही हूँ, कब से इसमें परेशानी है, इतनी काम करा रही हूँ। किससे किससे कौन सा काम है, हमने यहाँ पे काम भी करा है। क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, नहीं नहीं व्हाट इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव में क्या बताया, जो मास पे डिवाइड होता है, ठीक है, और जिसको जोड़ा जा सके, जोड़ा सकते तो घटा भी तो सकते हैं, ठीक है, और इंटेंसिव उसका जस्ट रिवर्स। एग्जांपल याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस में देगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव सब भर के छांटने के लिए बोलेगा, एक्सटेंसिव बता हुआ इंटेंसिव, ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा कोई चीज अगर तुम लोग का दिमाग तक समोसा और उस पर चला गया क्या क्या डिफाइंड है। एग्जांपल में टेम्परेचर, प्रेशर,
बॉइलिंग पॉइंट पे लिखना था, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, डेंसिटी हो गई थी, मोलर हीट कैपेसिटी। अरे तो और काम भाई, इतनी जल्दी ना डालना तो फिर काम कैसे चलेगा। समस्या क्या है, लेकिन तत्काल में तो चाहिए जितने काम है। क्या चीज, क्या बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोसेस भी चलेंगे, प्रोसेस भी होंगे, बस पानी मत पीना। नाम सुना है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडायनामिक, सब का मतलब पता है? हाँ चलो ठीक है बताओ। फिर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आइसोथर्मल में की कौन सा है? टी टेम्परेचर, आइसोथर्मल। हाँ और इसमें और क्या होता है बताओ, और क्या होता है? सेंटर क्यों लिखो, जीरो होता है इसमें, कुछ तो आपको बता रही हूं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी चेंज होता है। देखो इट इज एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन बाय व्हिच, इट इज एन ऑपरेशन बाय व्हिच, बाय व्हिच, बाय व्हिच अ सिस्टम अंडरगो, अ सिस्टम अंडरगोस, सिस्टम अंडरगोस, अंडरगोस a change, undergoes a change from one state to another. System क्या होता है? एक state से दूसरे state में change होता है. Process चल रहा होता है, during process कुछ न कुछ constant रहता है. ठीक है? First लिखिए isothermal, isothermal process, isothermal process. Isothermal मतलब iso से क्या मतलब होता है? समान, समान. एक समान. Thermal मतलब temperature. एक समान टेम्परेचर, जब ड्यूरिंग द टेम्परेचर, सॉरी ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, मान लो कुछ रिएक्शन चल, रिएक्शन तो नहीं कहेंगे, कोई प्रोसेस चल रहा है, जो टेम्परेचर अभी मतलब प्रोसेस शुरू होने पे है, प्रोसेस खत्म होने के बाद भी वही टेम्परेचर है, तो उसको क्या बोलेंगे प्रोसेस को, आइसोथर्मल, मतलब होल पूरा प्रोसेस यहां से यहां चल के आ रहा है, उस पूरे प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। अगर पहले शुरू होने में टेम्परेचर T1 है तो लास्ट तक क्या रहेगा, T1 ही रहेगा, तो T2 भी क्या हो जाएगा, T1, T1, हां तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, 0, 0 T2 - T1 रीजनल, T2 - T1 होता है, हां जनरली रिलेटिव फॉर फाइनल माइनस इनिशियल, यस T2 minus T1, T2 भी T1 ही है, तो T1 minus T1, हाँ, zero, yes sir, और temperature constant बोलेंगे, change in temperature क्या है, constant, और इसके delta means क्या, large, large, लिखिए, a process in which, a process in which temperature remains constant, a process in which temperature remains constant. Constant. A process in which temperature remains constant. Throughout the process. पूरे process के दौरान temperature क्या रहता है? Constant. Throughout the process. This called isothermal process. Delta T. A process which
सकते हैं, वहां प्रेशर कर लीजिए और डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। जो प्रोसेस शुरू होने में जो प्रेशर है, प्रोसेस अंत होने में भी वो क्या है, प्रेशर प्रेशर वही है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब बोलिए क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जो प्रोसेस रिएक्शन मान लो शुरू होने में जो प्रेशर है, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी क्या है, वही प्रेशर। Change in state function
कांस्टेंट, अगर सर चेंज देखे तो जीरो, चेंज देखेंगे तो जीरो, और थ्रू आउट द प्रोसेस वो वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। और क्या देखा हमने, टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम में मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है, और क्लोज में सिर्फ एनर्जी, और आइसोलेट में कुछ भी नहीं। ऐसा बच्चा जिससे क्लास से कोई मतलब नहीं, थर्मोफ्लास्क आइसोलेट, ठीक है। ओपन रूम, क्लोज रूम, थर्मोफ्लास्क, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स, ठीक है। आज की क्लास इतना पढ़े, अब लिखिए क्वेश्चन, कैटराइज दीज प्रॉपर्टीज, कैटराइज these properties into next class में आऊंगी, पहले पूछूंगी फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है। चलो उसी का क्लास वाला लाइक करिएगा, फेस है ना, into state and path function, state and path function, पार्ट फंक्शन कब होता है, जब कार चल रहा हो, किस रास्ते से
आ रहा आ रहा ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए, कैटेगराइज अब बताना है एक्सटेंसिव इंटेंसिव। कैटेगराइज दीज प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टी इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। कैटेगराइज दीज प्रॉपर्टी इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। Intensive. Page नहीं बताएंगे, ठीक है? मैं बता रही हूँ जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उससे सोच के बताएंगे, ठीक है? पेज प्रोडक्टिव में बता देना, वो तो जाएगा ही पेज प्रोडक्टिव में। ऑप्शन लिखिए, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, हीट डेंसिटी, मोलर वॉल्यूम, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में श्यानता, अच्छा मोल क्या था, मोल मोल एक्सटेंसिव था।
सर आया, सर अगर आ जाए मिलेगा कौन, क्या पता उनको पढ़ाई क्या क्या सर
रिवर्सिबल के सेकंड पॉइंट लिखिए, सडन सडन ऑब्लिक सडन ऑब्लिक ऐसे सडन चेंज होना, ठीक है, सडन ऑब्लिक फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में। और इसमें क्या होता है रिवर्सिबल में, सिर्फ शुरू के समय और लास्ट के समय दोनों एक समान रहते हैं, बीच में चेंज रहता है। लिखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखो ई क्यू ऊपर इक्विलिब्रियम ओनली एट initial end final position, ठीक है। कितने पॉइंट्स होंगे, तीन। वो ठीक है, उसका क्या टाइम था, इनफाइनाइट टाइम, अनंत टाइम, इसका क्या है फाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीटेड। थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसके बाद से देख लीजिए भी, बस अब कॉन्सेप्ट चलेगा। इसके में P external क्या है, constant है, constant। और P external और P gas इसमें same था, इसमें same नहीं, ये और process है, process fast है, fast को लिखा दिया